तो अगर मैं चांद के साउथ पोल पर जूम करूं तो मुझे मिलेगा ये चंद्रयान 3, जो यहाँ सक्सेसफुली अपना मिशन पूरा करके सो रहा है। पर अगर ये अपने साथ ये छोटा सा डिवाइस ले जाता तो ये मिशन 14 दिन के बजाय कई महीने लंबा हो सकता था। तो चांद में रात में टेम्परेचर -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और ये काफी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खास करके बैटरीज को बर्बाद करने के लिए। और टाइडल लॉकिंग की वजह से ये रात होती भी है 14 दिन लंबी। तो यहाँ काम आता है रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जो एक छोटा सा हीटर होता है जो गर्मी प्रोड्यूस करता है इसमें मौजूद प्लूटोनियम के फिजन से, और ऐसा ये कई सालों तक कर सकता है। और लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक चंद्रयान 3 में 2 1 वॉट के RHUs को भेजा भी गया था, पर ये टेस्ट करने के लिए थे, इसलिए ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो अभी भी चांद के ऑर्बिट में है वहाँ मौजूद है। यानी आने वाले मून मिशंस कई महीने या कई साल लंबे होंगे। वैसे ठंड का मौसम आने वाला है, अगर एक मिल जाता तो